दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 18 दिसंबर का दिन है और मैं आपको दर्शन कराने के लिए हर की पैड़ी में पहुंच चुका हूं। इस वीडियो के माध्यम से यहां के ताज़ा दृश्य दिखाएंगे और उसके साथ साथ माँ गंगे के दर्शन कराएंगे, तो हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखना है। दोपहर के लगभग 12:30 बजे का समय है, आपको हर की पैड़ी के प्रमुख घाट तक ले चलते हैं और वहाँ से अच्छे से दर्शन कराएंगे, गंगा जल के पास से भी दर्शन कराएंगे। तो हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार ऋषिकेश की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। देखिए हर की पैड़ी के ताज़ा दर्शन। आज शाम को मुकेश हेल्प यूट्यूब चैनल में नीलकंठ महादेव मंदिर की वीडियो आ जाएगी। कल के दिन मैं नीलकंठ महादेव मंदिर गया था, रास्ते के दृश्य भी दिखाए हैं और उसके साथ साथ मैंने महादेव के दर्शन भी कराया है। तो उस वीडियो को आप लोग मुकेश हेल्प यूट्यूब चैनल में जाकर शाम को लगभग 6 बजे के आसपास वो वीडियो हम पब्लिक कर देंगे, तो आप लोग देख सकते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर की बहुत सारी वीडियो आने वाले दिनों में आएंगी क्योंकि मैंने बहुत कुछ कवर किया है और कई नीलकंठ मंदिर के पास जो भी मुख्य मुख्य जगह है, पार्वती माता का मंदिर, झिलमिल गुफा, गणेश गुफा, ये सभी वीडियो धीरे धीरे करके आ जाएंगी। आज के दिन केवल आप ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव मंदिर की यात्रा और नीलकंठ मंदिर के आसपास के दृश्य और उसके साथ साथ महादेव के दर्शन भी उस वीडियो में कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी और अब आपको हर की पैड़ी के ताज़ा दर्शन कराते हैं। दोस्तों हर की पैड़ी में आप देख सकते हैं गंगा जल पूरा आ रहा है, बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं बीच धारा में आज कोई भी स्नान करते हुए नज़र नहीं आ रहा होगा। कुछ लोग वीडियो के माध्यम से कह रहे हैं कि हरिद्वार में इस समय जल कम आ रहा है, तो अब मैं आपको बताऊं, जो हरिद्वार का हर की पैड़ी के पास जो भीमगोड़ा बैराज है वहाँ से पूरी तरह से गंगा जल कंट्रोल किया जाता है। इस समय क्या है, बड़ी धारा में जल बहुत कम भेजा जा रहा है, ज़्यादातर जल जो है वो हर की पैड़ी के घाटों पर आ रहा है और इसी वजह से नील धारा में आपको काफ़ी कम जल देखने को मिलता है। और उसके पीछे कारण है, चंडी पुल के बगल में एक और पुल का निर्माण किया जा रहा है, इस वजह से वहाँ किसी तरह की दिक्कत ना हो, काम आसानी से चल सके, इसी वजह से ज़्यादातर जल जो है वो हर की पैड़ी से होकर आगे जा रहा है और मेन धारा में इस समय जल जो है बहुत कम है। जल का कंट्रोल पूरी तरह से हाथों में होता है, जल में कोई कमी नहीं है, जल उतना ही आ रहा है, बस डायरेक्शन बदल जाती है, कभी दूसरी दिशा में जल ज़्यादा जाता है, कभी दूसरी दिशा में। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये हर की पैड़ी के सामने की तरफ जो बड़ी धारा है, बहुत ज़्यादा जल यहाँ से आ रहा है और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो मेन धारा है नील धारा वाली, जहाँ से जो चंडी पुल से धारा निकलती है, जब ज़्यादातर जल इस तरफ मोड़ दिया जाएगा तो वहाँ पर कम जल ही आपको देखने को मिलेगा। अभी हम आपको ब्रह्मकुंड घाट की ओर ले चलते हैं, वहाँ पर दर्शन कराएंगे। तो एक बार आप गंगा जी के दर्शन कर सकते हैं, गंगा जी की सुंदर सी प्रतिमा आपके सामने है, दर्शन करें और कमेंट में जय गंगे माता ज़रूर लिखें और इस तरफ भोलेनाथ के दर्शन करें। ये देखिए हाईवे के सुंदर दृश्य दिख रहे हैं, हाईवे पूरी तरह से चल रहा है, ट्रैफिक आज नज़र नहीं आ रहा है, गाड़ियां देख सकते हैं तेज़ी रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। अब मैं आपको आगे की ओर ले चलता हूँ और ब्रह्मकुंड घाट पर हम पहुँचेंगे। दोस्तों इस समय हर की पैड़ी में इतना ज़्यादा जल है कि आपको सावधानी रखनी है, आराम से स्नान करना है, गहराई में नहीं जाना है। और आज आप नोटिस भी कर रहे होंगे कि सभी लोग किनारे पर ही स्नान कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, जब जल कम होता है तो लोग पहुंच जाते हैं बीच धारा में, लेकिन आज आपको कोई भी व्यक्ति बीच धारा पर जाकर स्नान करता हुआ नज़र नहीं आएगा। देखिए दर्शन करते जाएं और जय गंगे माता सभी लोग लिखें, वीडियो को शेयर जरूर करें, सभी लोग शेयर करें। इस तरफ देखिए सामने की ओर महिला घाट,
यहाँ पर कई श्रद्धालु आपको स्नान करते हुए नजर आ रहे होंगे। नाम महिला घाट है लेकिन अब सभी लोग स्नान करते हैं और आज तो पुरुष ज़्यादा दिख रहे हैं हमें। अब मैं आपको ब्रह्मकुंड घाट की ओर लेकर वहाँ से दर्शन कराऊंगा। दोस्तों इस घाट में देखिए आप, घंटाघर घाट है और यहाँ पर कितने पुराने कपड़े लोगों ने यहाँ पर छोड़ रखे हैं, पन्नियाँ यहीं पर छोड़कर जाते हैं। सच में बहुत गंदा लगता है, ऐसे दृश्य दुखी करते हैं। लगातार हम आपसे अपील करते हैं कि प्लीज़ सफाई रखें, पुराने कपड़े घाट पर ना छोड़ें, लेकिन ऐसे दृश्य आपको देखने को मिल ही जाते हैं जो कि अच्छे नहीं हैं। यहीं पर आप स्नान करेंगे और यहीं पर गंदगी फैलाते हैं। माँ गंगे को पवित्र भी मानते हैं, माँ गंगे भी कहते हैं, माता के समान मानते हैं और ऐसी गंदगी बिल्कुल तट पर करके जाते हैं, घाट पर करते हैं। दोस्तों सामने की ओर देख सकते हैं, ब्रह्मकुंड घाट की झलक आपको दिख रही होगी। ब्रह्मकुंड घाट में बहुत कम लोग इस समय हैं, बहुत कम श्रद्धालु हैं। दर्शन करिए आप लोग, हरिद्वार का सबसे मुख्य घाट यही है। अब हम आपको आगे की ओर ले चलते हैं, नाई घाट की ओर चलेंगे और कुछ दृश्य वहां के दिखाएंगे। पन्नियों का ढेर देखने को मिल रहा है यहां पर, देखिए। इन दृश्यों को देखकर बहुत दुख होता है। प्लीज़ आप इन बातों का ध्यान रखें। आप हजारों किलोमीटर से चलकर यहां पर आते हैं और अगर आप यहां पर कितनी भी डुबकी लगा लें, 10 डुबकी लगा लें, 21 डुबकी लगा लें, 51 डुबकी लगा लें, लेकिन अगर आप घाट पर गंदगी करते हैं, गंगा जल गंदा होता है, तो सच में आपकी जो यात्रा है वो सब बेकार जाएगी। आपका पैसा भी खर्च हो रहा है, आपका समय भी लग रहा है, मेहनत भी कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, कष्ट भी झेलते हुए यहाँ पहुँच रहे हैं, तो इन बातों का आप ध्यान रखें और दूसरों को भी कहें और ये वीडियो शेयर ज़रूर करें प्लीज़। मुझे आज बहुत ख़राब लग रहा है कि घाट के बहुत बुरे दृश्य देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप लोग, देखिए माँ गंगे के तट पर और यहाँ पर ये पन्नी पड़ी है। देखिए ये जल है और ये पन्नी है। ऐसी पन्नियों को जल से दूर रखना है, गंगा जल से। जय गंगे माता सभी लोग लिखते जाएं। अब मैं आपको एक बार फिर से घंटाघर के दूसरी साइड जो बड़ी धारा है वहाँ के दृश्य दिखाएंगे। यहाँ से देखिए आप लोग, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करने के साथ शेयर ज़रूर करते जाएं। और आप शेयर करेंगे तो जो वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देते हैं, मैसेज देते हैं, वो दूसरों तक पहुँचेगा। अब मैं नाई घाट के सामने आ चुका हूँ, यहाँ से आप लोग नाई घाट के दृश्य देख सकते हैं। देखिए कितना तेज है जल का बहाव, सभी लोग रेलिंग के अंदर से ही स्नान कर रहे हैं, रेलिंग के बाहर नहीं जा रहे हैं। ये अच्छी बात है, जल के बहाव के अनुसार आप लोग स्नान करें। रेलिंग के अंदर से अगर आपको स्नान करने को मिल जाता है तो बाहर जाने की ज़रूरत क्या है। और अब मैं आपको मनसा देवी मंदिर दिखाऊंगा। सामने देखिए ऊंचे पहाड़ों पर ये है मनसा देवी मंदिर, आप दर्शन करें और जय माता दी, जय मनसा देवी ज़रूर लिखें। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं से हम समाप्त करते हैं, ऐसे ही लगातार आपको हरिद्वार के दर्शन कराते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि लगातार आप लोग दर्शन कर पाएँ और उसके साथ साथ यात्रा की सभी जानकारी आपको मिल सके। आप सभी अपना ख्याल रखें, जय हिंद जय गंगे माता। और एक ज़रूरी बात, शाम को नीलकंठ महादेव मंदिर की वीडियो मुकेश हेल्प यूट्यूब चैनल में आ जाएगी, तो आप लोग ज़रूर देखना।